थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पिछले कुछ दिनों से एक व्हाट्सएप पे पीडीएफ की सूरत में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलेशन की गई है, जिसमें ये क्लियर कट मेंशन किया गया है लुंडे खसरा नंबर और इतनी ले जो जगह है वो लोगों ने इंक्लोज की हुई है। इसी जिम्मन में हमने ये चाहा, जब हमें लोगों की काल मसूल होना शुरू हुई और लोगों ने लोग बेचैनी और इस्तराबी का शिकार हुए, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस किस्म का आर्डर है, तो हमने जो ये एक मैं कहूंगा कैसा माहौल बन गया उसमें हमें ये क्लियरिटी लाने की जरूरत थी, तो इस वजह से हमने ये सोचा कि हम ये बताएं। देखिए, ये सरकार ने जिस तरीके से का ये कदम किया है, ये हम पहले तो मजम्मत करते हैं जो ऐसे ऑर्डर्स आते हैं छुप छुपा के चोरी तरीके से। उसमें क्लियरली मेंशन है कि जितने भी लोगों के पास सरकारी जमीन है वो हम वापस रिट्राइव कर रहे हैं और उसके जो इंक्रोचमेंट है वो वापस ले रहे हैं। देखिए, इस चीज को हम एक तरफ से तो इंडोर्स करेंगे, जिन लोगों ने इलीगल इंक्रोचमेंट की हुई है, जिन लोगों के पास 100-100 200-200 कनाल या 300-300 कनाल जगह है और उनने उसके बाद भी इलीगल तरीके से गलत अपने कागजों को तोड़ फोड़ करके जमीन जो है वो अपने नाम करवाई हुई है, हम ये कहते हैं कि सरकार उनसे वापस ले। बड़े बड़े शहरों में, जम्मू में देखिए या किसी और शहर में देख लीजिए, वहां पर वाकई ही मालदार जो लाले लोग हैं उनके पास जगह है और उन्होंने उस जगह का गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन जहां पर मैं देहात की बात करूंगा, गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, जिनका सारी जिंदगी का गुजर बसर सिर्फ उसी जमीन से होता है। अगर एक आदमी है उसके पास 5 ही कनाल जगह है और वो किसी अगर 50 में या 50 या 60 में वो जमीन उसने उसको अलाट की गई सरकार ने, तो उसने सरकार के हुक्म के मुताबिक वहां पर मकान तामीर किया, वहां पर कल्टीवेशन की, उसको एग्रीकल्चर लैंड बनाया। तो आज अगर सरकार ये कह रही है कि हमें ये वापस लेनी है, तो मुझे ये लगता है एक बहुत बड़ी ज्यादती है उन लोगों के साथ जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जो जिनके पास उस जमीन के अलावा कोई और रोजी रोटी का साधन नहीं है। तो हम वकला बरादरी मेंढर से आज इसका ये ऐलान करते हैं और हम ये कहते हैं कि जो लोग दबे कुचले लोग हैं, जो लोग पसमानदा हैं, जिनके पास जो लैंड लेस लोग हैं, देखिए यहाँ पे महाराजा के दौर में लोगों को जमीनें दी गई, यहाँ पे शेख अब्दुल्ला के दौर में लैंड टू टिलर लाया गया, यहाँ पे उसके बाद भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्ट आया और जितने भी हमारे पास एक्ट आए उसमें कहीं ना कहीं सरकार ने लोगों को तहफ्फुज दिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ एलजी सरकार से कि आपका स्पोक्स पर्सन एक तरफ ये कहता है कि हम जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और दूसरी तरफ आपके जो ये पीडीएफ के जरिए आप तहसील वाइज या ब्लॉक वाइज आप ये लिस्टें निकाल रहे हो, उसका क्लियरली मेंशन किया हुआ है किसी की काप आ रही है, किसी की एग्रीकल्चर लैंड आ रही है, किसी का पक्का हाउस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर लोग गांव में इस किस्म की कंस्ट्रक्शन की हुई है तो सरकार क्लियरली एक अपने मौकफ के साथ सामने आए और पब्लिक से बात करे कि वजह क्या है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं सरकार को भी कि आपने अगर ऐसा स्टेप उठाया है तो उसको क्लियर अगर मेंशन नहीं करेंगे, आप कह रहे हो हम नोटिस देंगे, हम वापस लेंगे, मैं यहां से कह देना चाहता हूं अपने उन नुमाइंदे जो हमारे पास डीडीसी हैं, बीडीसीज हैं, सरपंचीज हैं, पंचीज हैं, लोकल बॉडीज के लोग हैं, वो सामने आए, क्योंकि आप लोगों की वजह से हो, आपने लोगों ने आपको इसी वजह से चुना है कि जब उनको कोई मुश्किल होगी, परेशानी होगी, मुसीबत होगी, आप उनके सामने खड़े होंगे। हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से कोई इस पर बात करने को राजी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं खुदा ना खवास्ता अगर आप लोग, मैं कहता हूं कि इसी वजह से बहुत सारे लोगों का बीपी, शुगर और हार्ट अटैक आने के अंदेशे पर पहुंच गए, क्योंकि हमें खबरें मौसूल हो रही है कि इस किस्म के हालात बने हुए हैं, लोगों को रात को नींदें नहीं आ रही है कि जिस किस्म का ये सरकार ने ड्रकोनियन ला ये मैं कहूंगा लाया है, तो हम इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। लोगों को बसने दीजिए, सरकार का काम होता है कि अपनी आवाम को, अपनी जो आया होती है उसको प्रोटेक्ट करना होता है, उसको शेल्टर देना होता है, ना कि उसको घर से निकाल के बाहर फेंक देना, तो बेदखल करना होता है। ऐसे को जो है वो अंग्रेजों के दौर में नहीं हुआ, जो इस वक्त जो है मैं कहूंगा लाभ बना रही है सरकार, तो हम इसमें इसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूं।